प्रदेश में भी युद्ध की हड़बड़ी मचने लगी देखिए युद्ध का आगमन कभी मंगलकारी नहीं होता यहाँ वहाँ योद्धाओं का युद्धोन्मत होकर गुजरना वो भी कैसे गुजरते हैं वायु के वेग से हड़बड़ी मच जाती है चारों ओर उन योद्धाओं में एक बार जब युद्ध की गंध लग जाती है तब उन्हें बाकी कुछ नज़र नहीं आता राह में जो भी अड़चने आती हैं उन्हें निर्दय काट देते हैं और क्या उनके सामने बस यही लक्ष्य होता है कि युद्ध की तैयारी में कोई बाधा न हो ऐसी ही तैयारी द्वारका के योद्धा जब कृष्ण के अश्वणी सेना करती है तब राधा की सखियां राधा को आगाह करती हैं उसे चेतावनी देती है कि सेना चाहे उसके प्राण प्रिय कृष्ण के ही क्यों ना हो पर मार्ग में अगर वो अड़चन बन खड़ी होगी तो वे तो उसे निष्करुण हटाकर आगे बढ़ जाएंगे उन्हें थोड़े ही पता है कि तुम कौन हो तुम्हारा कृष्ण से क्या रिश्ता है वो तो उन सभी वृक्षों को भी काट छाँट देंगे जो उनके मार्ग में बाधा बनती दिखेगी ब्रजवासियों को ये सब होते देख भी यदि कुछ करना रह गया है तो यही है कि उस सेना के स्वागत में तोरण सजाएं। इसके सिवा वे कुछ कर ही नहीं सकते तभी वो राधा से कहती हैं घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी आज उस राह से न लौट देखो हमें पता है तुम जब भी यमुना के घाट से आती हो आदत है तुम्हारा क्योंकि वो कदम्ब का वृक्ष तुम्हारा मिलन स्थान हुआ करता था और कनु वहाँ ध्यान मग्न खड़ा रहता था और तुम उसे एक देवता समझ उसे प्रणाम भी करती थी और जब भी अब कनु की अनुपस्थिति में भी जब भी तुम वहाँ से गुजरती हो तुम बावरी की तरह पागलों की तरह आज भी उसी राह पर थोड़ी देर टिक जाती हो क्योंकि राधा को वहाँ सुकून मिलता होगा उस कदम्ब के वृक्ष को देखकर लेकिन यहाँ आज सखियाँ कहती हैं अभी तो यहाँ अमंगल छाया है युद्ध का इसलिए हे बावरी जब तू घाट से लौटती है तो उस राह से न लौट जिस राह से तू हमेशा लौटती है अर्थात वो कदम्ब के वृक्ष वाले राह से तू मत लौट वे सखियाँ कहती हैं उजड़े हुए कुंज रौंदी हुई लताएं आकाश पर छाई हुई धूल क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की अठारह अक्षोहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं वो सखियां कहती हैं कि राथा तू जरा देख वहाँ की हालत क्या है वहाँ क्या है कि आकाश पर धूल छाई हुई है क्योंकि बहुत से घोड़े वहाँ से गुज़रे हैं योद्धा गुजरे हैं घोड़ों पर और उनके कारण उनके गुज़रने के कारण उन से योद्धाओं के गुज़रने के कारण वहाँ की लताएं रौंदी हुई हैं उजड़ गए हैं कुंज कुंज लताएं मतलब जो झाड़ियाँ हैं लताओं से घिरा स्थान था वहाँ अब क्या है ये घोड़ों के टाप से सब उजड़ गया है लताएं रौन दी गई हैं और आकाश पर धूल छाई हुई है क्योंकि इनके निरंतर इस प्रकार के घोड़ों के गुजरने से धूल छाई हुई है चारों ओर युद्ध का लक्षण दिखाई दे रहा है क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की अठारह अक्षौहिनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं लक्षण ये बता रहे हैं कि कृष्ण की सेना आज युद्ध में भाग लेने के लिए वहाँ से गुजर रही है सब अमंगल लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसलिए हे बावरी घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी आज उस राह से न लौट वे कहती हैं आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बाबरी लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत सेनाएं गुजर रही हैं आज यहाँ से इस गांव से द्वारका की सेना वो भी कैसी सेना है युद्धोन्मत है मतलब युद्ध करने के लिए एकदम उतावली सेना वहाँ से गुजर रही है और तू अपने आहत प्यार को उन लताओं लता कुंज की ओट में छिपा ले इसी में तेरी भलाई है तेरा आहत प्यार तू छुपा ले बावरी आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो हमें पता है तू आते जाते हमेशा उस पथ से ही जाती है और हमने देखा भी कि राधा उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे या फिर आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठकर सुकून पाती थी शांति पाती थी यद्यपि कृष्ण उसे छोड़कर चले गए थे फिर भी वो वहाँ जाना पसंद करती थी लेकिन ये उसका जो स्वभाव है ये उसकी जो आदत है वो उसकी सखियाँ अच्छी तरह जानती हैं तो इसलिए कहती हैं आज उस पद से अलग अट खड़ी हो बावरी लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को लता कुंज की ओट में उसके पीछे तू छिपा ले अपने प्यार को तेरा प्यार आहत है ये हमें पता है लेकिन ये उन युद्धोन्मत सेना को नहीं पता आज इस गांव से वे गुजर रहे हैं तो तेरी भलाई इसी में है कि तू उस रास्ते से आज मत जा वहाँ अमंगल लक्षण दिखाई दे रहे हैं वहाँ युद्ध की छाया दिखाई दे रही है और वहाँ से युद्धोन्मत सेनाएं मदोन्मत होकर गुजर रही हैं उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा उन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देगा उनके सामने केवल युद्ध की तैयारी ही सबसे अहम है इसलिए अगर तेरा प्यार आहत है तो ये तू अपने तक ही सीमित रख तो उसे लता कुंज के ओट में छिपा ले यहाँ जब ये कहती हैं तब उन्हें पता है कि ये जो सेना है जो अक्षौनीय सेना है जो युद्धोन्मत होकर गुजर रही है उसकी जो मालिक हैं उसके जो कृष्ण हैं उसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो राधा के अपने हैं तो उस उन्हें पता है वो कहती हैं मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है मान लिया कि तू तो उसकी रोम रोम परिचित है मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते पथ से हट जा बावरी वो याद दिला वो अब वो खुद ये मानती हैं कि राधा ये जो अक्षोहिनी सेना यहाँ से गुजर रही है उन सब की जो सुपर पावर है वो कृष्ण को वो रोम रोम जानती है वो सर्वाधिक उसका अपना है और ये जो अगणित सेन सैनिक जो गुजर रहे हैं एक एक कृष्ण के हैं और स्वयं कृष्ण राधा के हैं ये सखियाँ जानती हैं मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है हम जानते हैं और हमने मान भी लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है मान लिया कि तू तो उसकी रोम रोम परिचित है उसकी एक एक अणु को तू जानती है ये भी हमने मान लिया मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं और ये जो सैनिक गुजर रहे हैं यहाँ से सभी उसी के हैं कान्हा के हैं पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते लेकिन अफसोस की बात है कि इस सैनिक को नहीं पता कि तुम कौन हो इसलिए पथ से हट जा बावरी तनिक पथ से हट जा भलाई तेरी इसी में है कि तू आज उस पथ पर मत जा यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी तेरे ना आने पर सारी शाम उस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भर कर तुझे तेरा था अब सखियाँ ये भी कबूल करती हैं कि उन्हें पता है कि कृष्ण और उस आम के वृक्ष का क्या संबंध था ये जो आम्र वृक्ष है उसकी डाल उनके लिए विशेष प्रिय थी क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि राधा के न आने पर सारी शाम कृष्ण इस पर टिक कर उस आम की डाली पर टिक कर वंशी से बार बार राधा का नाम भर कर राधा की प्रतीक्षा करते थे ये सखियों ने देख रखा है और उन्हें पता है कि आम्र वृक्ष की वो डाली उनके लिए कितना प्रिय है और ये आम्र वृक्ष उनके मिलन का स्थान हुआ करता था ये राधा की सखियों को भली भांति पता है लेकिन पता होते हुए भी वे कहती हैं कि आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगामी रथों की गगन चुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है लेकिन कृष्ण का उतना प्रिय आम्र का वृक्ष इन सैनिकों के लिए इन युद्ध की तैयारी करते सेनापतियों के लिए एक बाधा बनकर खड़ी है क्योंकि उनकी जो वायु वेगमयी जो रथ हैं जब गुजरते हैं और आपको आपने देखा होगा रथ के ऊपर ध्वजा उनके जो फ्लैग होता है वो ध्वजाएं ऐसी गगनचुंबी होती हैं लंबी लंबी ऊंची मतलब कि पूरे राज्य को दिखना चाहिए कि देखो ये हमारे इस राजा का ध्वजा है ये जो जा रहा है रथ में और उन गगनचुंबी गगन को चुंबने वाली गगन को छूने वाली ध्वजाओं में जब ये वायु वेग से ये रथ जाते हैं तब आम का यह जो वृक्ष का जो डाल है वो अटक जाती है वो उनके लिए बाधा बन रही है तो इसीलिए ये आम की डाल काट दी जाएगी बावरी वो वृक्ष जिसकी डाल पर टिक कर तेरा प्रियतम कृष्ण तेरे इंतज़ार में घंटों खड़ा रहता था आज उसी कृष्ण के सैनिक इस वृक्ष को काट डालेंगे क्यों काट डालेंगे क्योंकि उनके वायु वेगामी रथों की गगन को छूने वाली जो ध्वजाएं हैं वो नीची आम की इस टहनी से इस डाली से अटकती है उनके लिए तुम्हारा ये प्यार का जो निशानी है जो आम का वृक्ष वो उनके लिए एक बाधा है आज और वो पूरी संभावना है कि वो उसे काट देंगे युद्ध का यह आतंक आम्र वृक्ष पर ही नहीं पावन अशोक वृक्ष पर भी पड़ा वे कहती हैं और यह पत के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा अब ग्रामवासियों के लिए यही बचा है कि उनके आंखों देखे, उनके सामने ही उनके पावन अशोक वृक्ष को काट दिया जाए उनके आम्र वृक्ष को काट दिया जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते उन्हें अगर कुछ करना बाकी है तो यही रह गया है कि सेनाओं के स्वागत में तोरण सजाएं। आज स्थिति ऐसे आ गई है कि ये जो योद्धा हैं उनके सामने केवल युद्ध ही सबसे प्रमुख बात है ये जो योद्धा हैं, उनके लिए केवल युद्ध ही सबसे बड़ी बात है उन्हें कोई परवाह नहीं कि ये अशोक वृक्ष क्या मायने रखता है ग्रामवासियों के लिए या फिर ये आम का वृक्ष किस अहमियत का है उन्हें तो बस अपने रास्ते में जो भी आड़े आएगा उसे हटाना है चाहे वो पावन अशोक वृक्ष हो या आम का वृक्ष हो और ब्रजवासियों के सामने बस यही एक हल है कि इन सेनाओं के स्वागत में तोरण सजाएं और देखिए सखियां एक तरफ राधा को इस बात की चेतावनी देती है कि जिस पथ से वो अक्सर जाती है वहाँ ना जाए वहाँ अमंगल लक्षण है लेकिन अंत तक आते आते वो यूँ कहती है दुख क्यों करती है पगली क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं इसमें क्या हुआ कि कनु का ये जो वर्तमान है जो वो कूटनीतिज्ञ बने हुए हैं इतिहास निर्माता के रूप में युद्ध का संचालक करने जा रहे हैं युद्ध का संचालन करने जा रहे हैं उनका ये जो वर्तमान है कनु का वो तुम्हारे तन्मय क्षणों की कथा से एकदम अनभिज्ञ हैं एकदम डिफरेंट हैं वो जानते ही नहीं इसमें दुख करने की बात नहीं है दुख क्यों करती है पगली उदास क्यों होती है ना समझ? कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं यहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो रही है यहाँ सैनिक यहाँ वहाँ भाग दौड़ लगा रहे हैं पेड़ों की कटाई हो रही है धूल उड़ रहे हैं लेकिन तू उदास क्यों होती है ना समझ? इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं अगर तू और तेरा काना से जो तेरा प्यार है वो एकदम अपरिचित सा छूट गया है कि होने की कोई बात नहीं है गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की अट्ठारह अश्वोहिणी सेनाएं हों तुझे गर्व करना चाहिए बावरी कि ऐसा कौन है जिसके प्रिय के पास अट्ठारह अक्षौनी सेनाएं हों केवल तुम्हारे प्रिय कनु के पास ही अट्ठारह अक्षौनी सेनाएं हैं ये तो ऐसे ही हुआ जैसे जले पर नमक छिड़कना इसमें गर्व करने की बात क्या है राधा को इस बात में कोई गर्व नहीं है कि काना के पास अट्ठारह अश्छनी सेनाएं हों या ना हों उसे इसे कोई मतलब नहीं है वो तो बस काना को चाहती थी काना के साथ बिताए गए तन्मय क्षण को ही जानती थी यहाँ उसकी सखियाँ एक तरफ उसे आगाह करती हैं कि उस पथ से मत जा बावरी जहाँ से तू हमेशा कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाया करती थी जब तू यमुना के घाट से आती जाती थी और दूसरी तरफ वो कहती है कि पगली दुख मत कर तेरे ये वर्तमान तेरा तेरा ये जो कनु का जो वर्तमान है वो तेरे तन्मय क्षणों की भूतकाल से एकदम अनभिज्ञ है एकदम अलग है लेकिन हे ना समझ, तुझे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गया है लेकिन तुझे गर्व करने लायक एक बात है तेरा महान तेरा प्रिय वही महान है जिसकी अट्ठारह अक्षोहिणी सेनाएं हैं तो यहाँ राधा और दुखी होती है उसकी खुद की सखियाँ उसे खिल्ली उड़ाती हैं उसकी खुद की सखियाँ उसकी इस अवस्था पर उसे इस तरह से कहती है कि तुझे उदास होने की ज़रूरत नहीं है बस तुझे गर्व करना है कि जिसके पास अट्ठारह अक्षोहिणी सेनाएं हो, वो तुम्हारा प्रिय है कृष्ण की जो अक्षोहनी सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी महाभारत में अक्षवनीय सेना काफ़ी मायने रखती थी इसमें देखिए क्या क्या है इसके बैटल में ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी चैरियट्स जो रथ हैं और ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी एलिफेंट्स हाथी भी उतने ही फिर घोड़ों की संख्या देखिए सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेन और जो इन्फेंट्री है जो पैदल जो सैनिक हैं उनके तो वन लैक नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी तो पूरा वन अक्शनी कंसिस्टेड ऑफ टू लैक एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड वारियर्स उसका रेशो भी इन्होंने दिया है एक चैरियट एक हाथी तीन कैबलरी इन्फेंट्री सोल्जर्स तो ये अक्शौनी सेना का आ, मालिक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जैसे सखियाँ कहती हैं राधा से आ, किसका प्रिय ऐसा है जिसके पास अक्षवनी सेना है और आपको पता ही होगा महाभारत युद्ध में अक्षवनी सेना किसके साथ थी कौरवों के साथ थी केवल कृष्ण पांडवों के साथ थे और वो भी इस शर्त पर कि वो किसी भी हथियार का उपयोग नहीं करेंगे